गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ फोर्थ क्लास ऑफ फिफ्थ क्लास। क्विज स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 40। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड की रक्षा, संरक्षण। ओके स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो चलिए हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वेन यू लीव अ बाउल ऑफ कुक्ड राइस इन द किचन फॉर अ डे। स्टूडेंट, जब भी आप कहते हैं एक बाउल को, क्या कहते हैं उसमें कुक्ड जो पका हुआ जो राइस होता है उस बाउल में छोड़ देते हैं एक दिन के लिए, तो इट स्टार्टिंग स्मेलिंग बैड एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। और स्टूडेंट्स, वो क्या उसमें आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, स्मेलिंग जो है आना स्टार्ट हो जाता है एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग, और वो खाने के लिए अनफिट हो जाता है। बट लेकिन इफ यू स्टोर अनकुक्ड राइस इन अ जार इन द किचन फॉर अ होल मंथ, यदि लेकिन आप क्या करते हैं अनकुक्ड बिना पकाया हुआ भोजन जार में रखते हैं, किचन में रखते हैं मंथ के लिए, एक मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए, तो इट रिमेन्स फाइन, तो वो अच्छा रहता है, ठीक रहता है। वाई इज इट सो, ऐसा किस लिए होता है, तो यही हम पढ़ेंगे कि जो पका हुआ खाना है वो क्यों खराब हो जाता है आफ्टर सम आवर ही, और जो अनकुक्ड फूड होता है वो इतने लंबे समय तक कैसे फाइन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आपने स्टूडेंट्स देखा भी होगा कि आपके घर में जो भी खाना बना हुआ होता है, जो बच जाता है, उसको हम थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए या थोड़े आवर्स के लिए उसको हम रख देते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं झाग सा हो जाता है, बैड स्मेलिंग आने लगती है, खराब हो जाता है, उसको हम नहीं खा पाते हैं से। और जो बिना पका हुआ खाना होता है, लाइक फ्रूट्स ले लो, क्या कहते हैं वेजिटेबल ले लो, ग्रीन्स ले लो, दाल वगैरह जो अनाज वगैरह होता है, वो ऐसे ही रखा हुआ होता है जार में, तो वो कितने भी लंबे समय तक के लिए हम रख लेते हैं वो खराब नहीं होता है। बट जो कुक्ड फूड होता है, जो पका हुआ खाना होता है, वो कुछ ही समय बाद उसमें स्मेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम वही जानेंगे ऐसा क्यों होता है। सम फूड्स लाइक क्रियर्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मच लॉन्गर टाइम देन मिल्क, मीट एंड फ्रूट्स। वाई इज इट सो, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो क्या कहते हैं फूड से, जैसे अनाज, दालें, मसाले, ये सब स्टूडेंट्स आप सभी के घर में बहुत ही लंबे लंबे समय तक स्टोर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप इस मंथ ले आए तो आप 2 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए स्टोर, नॉर्मली 1 मंथ के लिए हम स्टोर करते हैं ऐसी चीजें। बट जो आपका क्या कहते हैं ये मिल्क है, मीट है एंड फ्रूट्स है, ये हम लेकर आते हैं, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय के लिए, ये हमारा 1 डे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। बट मिल्क तो हमारा 1 डे में इसको हमें कंज्यूम करना होता है। तो यही हम जानेंगे कि ऐसा इसमें क्यों होता है। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में वी विल लर्न हाउ फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एंड हाउ वी कैन प्रिजर्व देम। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यही जानेंगे कि जो हमारा फूड आइटम है, खाने की जो चीज़ें हैं, वो स्पॉइल्ड, खराब कैसे हो जाती है और उसको हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में यही जानेंगे, वेरी यूजफुल चैप्टर है, तो आप सभी को ध्यान से जानना है, सुनना है। देखिए, हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जो फूड है वो खराब कैसे हो जाता है। ओके, व्हेन वी कीप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द ओपन फॉर अ डे और टू, वी फाइंड ग्रीन और ब्लैक पैचेस ऑन इट। देखिए स्टूडेंट्स, कहा गया है इसमें हमें